नमस्कार, स्वागत है आपका इंसाफ की आवाज में। मैं हूं अभिलाषा दुबे और आइए देखते हैं आज की ताजा खबर। जमशेदपुर के टेलको थाना अंतर्गत साबुज कल्याण संघ के पास सोनारी निवासी प्रकाश कुमार से हथियारबंद आरोपियों ने लूट कर ली थी। इस मामले में कार्रवाई करते हुए पुलिस ने आरोपी सिद्धगोड़ा कान्हू भट्टा निवासी करण भुइया को गिरफ्तार किया है। पुलिस ने करण के बाद एक देसी कट्टा और लूटा गया चांदी का चेन बरामद किया गया है। जानकारी देते हुए सिटी एसपी के विजय शंकर ने बताया कि 25 दिसंबर को प्रकाश अपने साथी के साथ साबुज कल्याण संघ के पास कार खड़ी कर बैठा था, तभी उसके पास से एक युवक आया और पता पूछने के बहाने से दरवाजा खुलवाया। इस दौरान उसने हथियार निकालकर प्रकाश से लूट कर ली। प्रकाश जब मदद के लिए चिल्लाया तब आरोपी पास ही स्कूटी लेकर भाग गए, साथियों के साथ फरार हो गया। इसकी सूचना पुलिस को मिलते ही पुलिस ने मौके को संज्ञान में लेते हुए एक आरोपी को गिरफ्तार कर लिया है। तलाशी के दौरान उसके पास से एक देसी कट्टा और चांदी की चेन बरामद हुई है। ये विगत 25 तारीख को क्रिसमस के रात को टेलको में वहाँ पे समुच कल्याण संघ है, उसके पास सूचना मिला था कि छीनताई हो रहा है। तो फिर रूसी में वो जो विक्टिम पीड़ित व्यक्ति है आके थाने में बताया कि ऐसे ऐसे हमारे साथ छीनताई हो गया, तीन लोग थे उसमें, तो मिलकर हमसे पिस्टल सटा के चेन छीन लिया हमसे। तो उसमें पता चला कि दो सोने का चेन था और एक चांदी का चेन था। तो इसी में एक FIR दर्ज किया गया, FIR नंबर 17922 टेलको थाने। उसके बाद थाना प्रभारी ने बहुत अच्छा काम किया है रणविजय ने। बाकी कुछ गुप्त सूचना मिला था कि कल रात को वहाँ पे एक रिवर व्यू कॉलोनी में उसके आसपास तीन लड़के हैं जिनका हुलिया मिलता जुलता है कि मतलब घटना करने वाला के साथ। तो उसी के सत्यापन में थाने से एक रेडिंग पार्टी गई थी और जैसे वहाँ पे टैंगो मोबाइल और पुलिस पार्टी पहुँची तो वहाँ पे देख रहे हैं कि पुलिस को देखते भागने लगे। वो एक स्कूटी था और पुलिस वाला भगाए और दो लोग स्कूटी में बैठ के भागने में थोड़ा सफल रहे, लेकिन एक बैठते बैठते गिर गया था जिसको पकड़े तो उसी के कमर से एक पिस्टल मिला और जो सोने का ये चांदी का चेन था वो भी उससे बरामद हुआ है। जो बाकी दो लोग हैं उनका भी आइडेंटिटी क्लियर हो चुका है, लेकिन जब तक हम अरेस्ट नहीं करेंगे तो नहीं बताएंगे उनके बारे में। बाकी इसको अभी की विधिवत कार्रवाई की जा रही है और आज इनको जुडिशियल रिमांड में फोर्ड किया जा रहा है। अभी फिलहाल एक को पकड़ा गया, एक आदमी को पकड़े हैं जिसका नाम करण भुइया है, करीब 21 वर्ष उम्र है इसका। कहाँ का है ये? ये रहने वाला है यहीं का, सिद्धगोड़ा। खबरों में फिलहाल इतना ही, कल फिर हम हाजिर होंगे एक नए समाचार के साथ। तब तक के लिए धन्यवाद।